नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। वेस्ट बंगाल में माध्यमिक के परीक्षा में आप दूसरे स्थान पे हैं पूरे वेस्ट बंगाल में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम है अनुलेखा माझी, मैं कुल्टी गर्ल्स हाई स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। तो प्लस टेंथ में इस साल जो माध्यमिक का एग्ज़ाम था उसमें मैं सेकंड रैंक पे आई हूँ। 700 मार्क्स से मेरा 696 आया है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको गाइड करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति या टीचर्स या घर के पेरेंट्स कौन? हाँ, स्कूल से बहुत ज़्यादा हमको कोऑपरेशन मिला। और फिर हम जहाँ से ट्यूशन लेते थे वहाँ भी अच्छा, मतलब वहीं से भी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा से ही था। सबसे ज़्यादा अंक आपको कौन से सब्जेक्ट में प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा अंक तो मेरा, मतलब साइंस ग्रुप का जो तीन है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड मैथ, इन्होंने ही मेरा 100 आया है, तो वही सबसे ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा गाइड कौन किए थे? इन सब्जेक्ट्स में स्कूल टीचर का बहुत ज़्यादा गाइड मिला और ट्यूशन टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए। पिछले साल जैसा सिचुएशन था कोविड-19 का, उसमें ऑनलाइन क्लासेस, इसमें से भी हम मतलब जितना कर सकते थे करें। और पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं। कौन से स्कूल में आप पढ़ाई कर रही हैं? मैं गर्ल्स हाई स्कूल से मैं हूँ और वहीं से। अभी मतलब आपको कैसा फील हो रहा है ये जब आप जाने के, मेरा जो मार्क्स है वो पूरे वेस्ट बंगाल में सेकंड पोजीशन में? पहली बार जब जाने तब तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि मतलब ऐसा, मतलब मेरा था कि हाँ कुछ शायद हो सकता है, 1 से 10 के बीच में से शायद आएंगे। लेकिन जब सेकंड आया, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिजल्ट चेक करके दिया कि ये देख तेरा रिजल्ट आया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, मतलब खुद वेबसाइट से रिजल्ट भी नहीं ले पाई, तो फ्रेंड्स ने दी, वहाँ से देखा, बहुत अच्छा लगा देख के, फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। इस बार तो मतलब माध्यमिक परीक्षा के जितने भी छात्र थे उन्होंने रिटर्न मतलब एग्जाम नहीं दे पाया। हाँ। तो इस चीज़ का आपको अफसोस हुआ या खुशी हुआ या कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा, मार्क्स आए, सेकेंड रैंक आई, वो सब अच्छा लगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम दे के ये होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ये मतलब फिर भी 9th का एग्ज़ाम के बाद आया है। 9th का एग्ज़ाम भी मतलब ऐसा ही हुआ था। 9th के एग्ज़ाम में मतलब ट्रूली हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, तो मतलब मोटिवेटेड थे इसलिए कि स्कूल टीचर्स ने बोले 9th में इतना अच्छा हुआ, 10th में ज़रूर करना है, तो 9th से ज़्यादा 10th में हम मेहनत करें। लेकिन वो हम रिटर्न एग्ज़ाम नहीं दे पाए, लेकिन मतलब मन में इच्छा ऐसा ही था कि प्लस 9th से ज़्यादा अच्छा हो और उसको हम मतलब पकड़ के रख सकें। 10th का जो आने वाला स्टूडेंट है, हाँ, वो मतलब किस तरह से पढ़ाई करेगा जो आप जितना अंक लाई हैं वो अंक को वो छू सके, किस तरह से उसको मतलब वैसा कोई स्ट्रैटेजी तो मैं जैसे पढ़ाई करती थी, मतलब जितना टाइम पढ़ना है उतना टाइम मन लगा के पढ़ना है। जिस दिन मन लगता है उस दिन आप ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन जिस दिन मन ना लगता हो उस दिन 1-2 घंटा पढ़ लो, मतलब जो भी करो दिल से करो, वैसा ही मतलब। कोरोना काल के दौरान आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या अनुभव क्या रहा है, कि चाहे वो पढ़ाई के मामले पे हो या पर्सनल लाइफ में? जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तब तो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब घर के अंदर ना स्कूल ना ट्यूशन, मतलब कहीं भी जा नहीं सकते थे। तब धीरे धीरे वो जो सिचुएशन था वो मतलब नॉर्मल होता गया, न्यू नॉर्मल की तरह, तो हमने वैसे ही शुरू कर दिए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में ही खुद को एडॉप्ट कर लिए। फिर वैसे ऑनलाइन क्लासेस का कितना प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, मतलब फायदेमंद रहा या फिर जैसे अगर स्कूल जाती तो वो बेहतर था या ऑनलाइन क्लास जो है? स्कूल जाते तो वो तो ऑफ कोर्स बेहतर है ही, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन क्लासेस में भी स्कूल से किए, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई अच्छा ही हुआ, मतलब हम नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी बुरा था। लेकिन स्कूल में अगर जाते तो शायद और भी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो पाता, तो ऑनलाइन क्लासेस सिचुएशन ऐसा था कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब इस सिचुएशन के लिए ऑनलाइन क्लास बेटर था। इस सिचुएशन के लिए अगर स्कूल हम नहीं जा सकते, सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो उनमें अगर हम पढ़ाई रोक देने से ज़्यादा हमें तो लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ही फायदेमंद है। अच्छा, लास्ट अच्छा होगा। आप आगे मतलब क्या पढ़ाई करना चाह रहे हैं, इच्छा कुछ? आगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो
क्लास 12th में वही प्रिपरेशन ले रहे हैं, बायोसाइंस का स्टूडेंट हैं हम। और अभी तो फिलहाल दिसंबर में शायद NTSC का स्टेज 2 है, उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। स्टेज 1 अभी जून में रिजल्ट आया, स्टेज 1 क्लियर हो गया हमारा NTSC का, मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। स्टेज 2 पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, फिर 12th के बाद तो नीट भी देना है, तो नीट का भी प्रिपरेशन ले रहे हैं। थैंक यू। हमारा नाम है अंजन माझी, हम सोदपुर गांव में रहने वाला है। আমার মেয়ে বাংলাতে বলছি, আমার মেয়ে অনুলেখা মাঝি। তো মাধ্যমিকে অল ওয়েস্ট বেঙ্গল এই বছর যে মার্ক এসছে সেই বেসিসে সেকেন্ড র্যাঙ্ক আছে। জব আপকো ইয়ে মালুম চলা কি মেরি বেটি জো হ্যায় ও সেকেন্ড র্যাঙ্ক মে হ্যায় পুরে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল মে, তো কাইসা আপকো উস ওয়াক্ত ফিল কাইসা হুয়া থা? দেখুন, যে কোনো মা বাবাই তো চাই যে তাদের ছেলে মেয়ে একটু ডেভেলপ করুক বা একটু বড় হোক পড়াশোনা করে। যখন এরকম রেজাল্ট তো সব মা বাবাই আশা করে। তো যাই হোক, সেটা আমাদের কিছুটা ভাগ্য, ওরাও অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছে যে কীভাবে নিজেকে স্ট্যান্ড করবো। তো যাই হোক, সব মিলিয়ে একটা ভালো পজিশন এসছে এবং এটা আমাদের কাছে খুব গর্ব। আনে ওয়ালা ভবিষ্য মে ইসকো কিস তরহ সে প্রিপেয়ার কিজিয়েগা? দেখুন, এখন মোটামুটি যেটা আমরা ভাবনা চিন্তা করেছি যে ওকে ডক্টর লাইনের জন্য নিতে জন্য এখন প্রিপারেশনটা নিচ্ছে, এবং তার মধ্যেও ধরুন একটা টাফ পরীক্ষা NTSC যেটা ন্যাশনাল ট্যালেন্ট, ওটা থেকে বেঙ্গলটা ক্লিয়ার করেছে, এবার ন্যাশনালটা হবে। তো ওইটাও যদি হয়ে যায় তাহলে পারবে, কারণ ওটা তো কোনো মানে ওইটা রিসার্চ লাইনে ওটা ওইটাও করতে পারে যদি ও চায়। আর যদি ডক্টর হতে চায় তো ঠিকই আছে, সেটা আমাদের কোনো অসুবিধা, সেটাও যা ভালো বুঝবে সেটাই তখন ওর উপরে ছেড়ে দেবে। ধন্যবাদ। दादा, सबसे पहले तो आप इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं और आप ही के वार्ड से एक ऐसी स्टूडेंट उभर करके बाहर आई है जो पूरे वेस्ट बंगाल में सेकंड स्थान प्राप्त की है माध्यमिक की परीक्षा में, कैसा फील हो रहा आपको? ये तो पूरा गर्व का बात है कि मेरा, हम एक्स काउंसलर रहे हैं, अब मेरा वार्ड से सोदपुर गाँव से अनुलेखा माझी वेस्ट बंगाल सेकेंड पोजिशन एस। তো সত্যি কোথায় 102 নম্বর ওয়ার্ডের গর্ব নয়, পুরা কুলটির গর্ব। আনে ওয়ালা ভবিষ্য মে ইস ছাত্র কো মতলব কিস রূপ মে দেখনা চাহেঙ্গা? আমি কাউন্সিলর থাকি বা না থাকি, আমি সবসময় অনুলেখার সাথে থাকব, পড়াশোনার জন্য যতটুকু আমার তরফ থেকে হেল্প হবে আমি নিশ্চয়ই করব। এখন যে আমাদের সরকার থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এসছে, সেই কার্ডেরও দাদার সাথে কথা বলে ওটাও আমি ব্যবস্থা করাবো। আর আপনার ওয়ার্ড মে মতলব ইস তরহ কা জো স্টুডেন্ট হ্যায় উসকো মতলব ক্যা কহনা ক্যা চাহেঙ্গে আপ কি আগে? আমি কেন, সবাই চাইবে, সবারই মা বাবা চাইবে, আমিও চাইবো যে যারাই পড়াশোনা করছে এই যে অনুলেখাকে দেখে একটু যেন তারাও প্রভাবিত হয় যে আমি এরকম রেজাল্ট করবো।